योर हस्बैंड वेरी सिंपल मिसेस डार्लिंग, इनको मिलकर इनसे प्यार हो जाता है. अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ. थैंक यू सो मच. कभी आइए ना मेरे घर, मिलकर खाना खाएंगे. श्योर. तो फिर कल रात 9 बजे. अरे नहीं, कल नहीं. क्या कहीं बिजी हैं आप? क्यों मिसेस डारे, कल रात को कहीं बिजी हैं आप लोग? नहीं बिजी तो नहीं है, लेकिन परसों. तो फिर परसों रात 9 बजे. अब क्या करते हैं, आएंगे ना किसी दिन. परसों क्यों नहीं? या फिर आप मैं दिल से मुझे अपना दोस्त नहीं मान? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त तो मान लिया. दोस्त मान लिया तो बात भी मान ली. आप कहिए ना मिसेस डार्लिंग. ओके फाइन, परसों पक्का. तो बस यहाँ रोक दीजिए, अब फ्लैट आ गया. यहाँ जी. अनुषिका है. हेलो. शिवार साहब की गाड़ी में गए हो तुम दोनों? हाँ, दोनों में दोस्ती हो गई है ना, इसलिए दाएं से इनकार ही नहीं हुआ. चलो जी, कल तक तो ऐसा लग रहा था जैसे गिरेबान से पकड़ लेंगे. होता है अनुषे, शुरू शुरू में लगता है कोई पता नहीं कैसा होगा, फिर मिलो तो पता चलता है कि कोई शहवार साहब जैसा होगा. ही इज अ वेरी नाइस मैन. ये बात वो भी मान गए या सिर्फ तुम ही कह रही हो? कहा ना दोस्ती हो गई दोनों की. कितने मजे मजे की बातें करते हैं ना, हर वक्त हंसते रहते हैं. हाँ हाय, लेकिन अंदर से बड़े ही दुखी हैं बेचारे. क्यों यार, उनकी बीवी खुदा की पनाह, बीवी नहीं डायन है वो औरत. 5 साल से सेपरेशन चल रही है दोनों की. अरे अच्छा चलो मैं फिर जा रही हूँ, गुड नाइट. ओके गुड नाइट. पूछ रही होगी कि पहुंच गए? हाँ, उस हैरान भी हो रही थी. हैरान क्यों हो रही थी? उसे तो यकीन ही नहीं आया था कि हम शहवाज साहब की गाड़ी में आए हैं. उससे कह देना था ना कि हम में बहुत दोस्ती हो गई है. आ जाओ, 2:30 बज रहे हैं. हाँ बस आई. अरे नहीं नहीं, हाउ कुड आई मिस द इवेंट. और सच बताऊं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपनी वेडिंग राइट पर रात 2 बजे मुझे फोन करो. गो टू हर, शी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू. गुड नाइट. अरे आप क्यों आ रहे, जाइए आराम करें. ओके गुड नाइट सर. गुड नाइट. एसी का पानी गिर रहा है. तुम जाग रही हो? शादी के हंगामों को याद कर रही थी. बरी देखकर आई थी मैं. आजकल तो लोग पागलों की तरह पैसे खर्च करते हैं. दुल्हन के 100 जोड़े, रिश्तेदारों के लिए 15 अलग और नौकर नौकरानियों के लिए 5 जोड़े रखे थे. अरे वाह. और पता है नौकरानियों के जोड़े भी 7,000 से कम के नहीं थे. सो जाओ ना. अब ऐसे फट से थोड़ी नींद आएगी, ऐसे याद करते करते सो जाऊंगी. तुम घबराओ मत, तुम्हें सुबह नाश्ता टाइम पे मिल जाएगा.
ये बात नहीं है महवेश, नाश्ता तो मैं खुद से भी बना लूंगा। तुम ठीक से नींद तो पूरी करो। कर लूंगी, तुम सो जाओ। मस्त क्यों रही हो? ऐसे ही वो किसी को उल्लू बनाना हो तो कैसे इनोसेंट बन जाते हो तुम? मैंने किसको उल्लू बनाया? अपने दोस्त को मुंह भर के कह दिया कि हाँ परसों आएंगे ना। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला? तो क्या सचमुच जाओगे? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा था ऐसे ही जान छुड़ाने के लिए कह दिया तुमने, वो भी तो इंसिस्ट करते ही जा रहे थे। इंसिस्ट तो वो कर रहे थे, लेकिन मैंने सच में कहा था कि हम जाएंगे। तो उस दिन मैं पहनूंगी क्या? रहने दो, कह दिया तो मतलब कोई डील साइन नहीं कर दी। सुबह में फोन करके सॉरी कह देना। अरे वो तुम अपनी काली साड़ी पहन लेना। वो नंगी कमर वाली? क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई कल का दिन है ना तुम्हारे पास, नया ब्लाउज बनवा लेना। सब कुछ सोच कर बैठे हो तुम। अब वो इंसिस्ट इतना कर रहे थे, मुझे ठीक नहीं लगा कि इनकार कर दूं। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कल फोन करके सॉरी बोल सकता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। 2:30 बज रहे, सो जाओ। कौन था? पता नहीं कौन था, बेल बजाकर भाग गया। 7:30 बज रहे, मैं 15 मिनट में नाश्ता कैसे करूंगा? आ रही हूं भाई। पता है ये मेरी फेवरेट हॉबी थी। हॉबी व्हाट? मैं भी बेल बजाकर भाग जाया करती थी। कॉलेज गई फिर भी बाज नहीं आई, पकड़ी भी जाती थी। ये साला तो पकड़ा गया ना, घूसे मारूंगा उसके मुंह। सर थमके दानिश। अरे अभी तो 5 मिनट नहीं हुए, आराम से बैठ के नाश्ता करो। कर लिया, तुम टिफिन दे दो मुझे। टिफिन कहाँ है आज? लंच तुम बाहर से कर लेना। कर लूंगा। रूमी जा गया ना, उसको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ कह दे। अरे सुनो तो सही, जाने का तो तुमने बताया ही नहीं। जा तो रहा हूँ, सूजन कम होगी? मैं वहां जाने का पूछ रही हूँ। अब तुम एकदम से आकर कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, ब्लाउज सिलने में ही वक्त लगेगा। ओ तुम वहां जाने का कह रही हो, तो चलेंगे ना। तुम ब्लाउज सिलवा लो, जाते हुए मुझे बता देना। अच्छा, और ध्यान से जरा, कमर बिल्कुल भी नजर नहीं आनी। नहीं आएगी बाबा।